की? ये भाई ये बीएल के हॉस्पिटल है और इनकी फैमिली यहाँ आज बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने बैठी हुई है जिनका बच्चा मरा है। आंटी आप चिंता ना करो बेटा, अरे आंटी नहीं आंटी आप चिंता ना ऐसा मत करो आंटी, आंटी न्याय मिलेगा आपने। एक वैसे वीडियो बना भाई, वैसे वीडियो बना वैसे पूरी इनके लिए एक बार क्लिप नमस्कार सिम साहब मैं दीपक शर्मा रेसलर योगेश्वर दत्त की बायोपिक का राइटर बॉलीवुड से। सीएम साहब मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये हॉस्पिटल का नाम है बीएलके। यहाँ पे एक बंदे की मौत हुई थी, वो बंदा दो दिन से हॉस्पिटल में मृत एडमिट है, ये उनका यहाँ पे परिवार पड़ा है। और यहाँ पे एसीपी सर और एसएचओ सर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर, कोई एफआईआर लॉन्च भी नहीं हुई है। तो मेरी सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करे सर, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है सर आपसे। ये देखो ये पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा खड़ा है, ऐसी तैसी करवाएगा और कुछ नहीं करेगा, सारी रिपोर्ट बदल दी जाती है। आप कह रहे हैं कि एमएलसी की रिपोर्ट आएगी जब उसके बाद देंगे, एमएलसी की रिपोर्ट भी चेंज हो सकती है। भैया इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको जिंदा था वो बंदा मार सकते हैं, तो एमएलसी की रिपोर्ट को क्यों नहीं बदला जा सकता है? इंसाफ चाहिए सिर्फ इंसाफ और कुछ नहीं। सब बिका हुआ है, सब बिका हुआ है। हॉस्पिटल का ऑनर गड़े है, गड़े ऑनर ये देखेंगे रिपोर्ट को और साथ सीबीआई कैंडल होगा। डॉक्टर तो बिका है लेकिन साथ में एसएचओ और पुलिस प्रशासन भी। देखो हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन के साथ नहीं है, हमारी सर पुलिस प्रशासन के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी है सिर्फ डॉक्टर के खिलाफ। और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है प्लीज एफआईआर लॉन्च की जाए। अरे एफआईआर लॉन्च कर रहे सर, एक एफआईआर लॉन्च की जाए। पैसा खा चुके हैं इसलिए भी बस है सर। सीबीआई के डलोन के बावजूद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। जितने ठुल्ले यहाँ पे आए हुए हैं ना, सबके मुंह उतरे हुए हैं। इतनी वीडियो वायरल हो रही है सारी, कहते रिश्वत थम लो फिर से सर, कम से कम एक एफआईआर लॉन्च जरूर होनी चाहिए। समझ में आता है, वो मैंने पढ़ा था और आपका देखा था, तब अपना इनकी पेज करी थी। अरे भाई सारे दिल्ली पुलिस रिश्वत लेती पकड़ी जाओगे कहते भाई साहब ने बंदे बहुत बड़े आदमी थे जो इनके झंडे उखाड़े थे पीते हुए देना है दम टाइम में और अभी भी है। अरे तो गलती है, जब तो सुन भाई सुननी पड़ेगी। चलो भाई हम इंसाफ चाहते हैं, अगर पुलिस प्रशासन गलती ना है तो भाई बोल लो कि मैं। लेकिन ये भाई तुम्हारा वो भी इनको इंसाफ जरूर दिलाएगा आज। आपके साथ है युवा एकता, आपके साथ है युवा एकता सारा।